चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र को मंजूरी दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के जर्मनी दौरे के बाद ही कैबिनेट की पहली बैठक थी, जिसमें विधानसभा सत्र के विशेष सत्र पर चर्चा के अलावा अन्य मुद्दों पर भी विचार किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पंजाब के दौरे पर हैं। दौरे के पहले चरण में अनुराग ठाकुर अमृतसर पहुंचे, जहां अनुराग ठाकुर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में आयोजित खेल सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें संबोधित भी किया। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हालत देख करके शिक्षा मंत्री निराश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 2500 से ज्यादा छात्रों के स्कूल में आज भी खुले में पढ़ाई होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी या फिर बारिश, इन छात्रों को खुले में बैठना पड़ता है। उन्होंने स्कूल की हालत देख करके दुख जताया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि स्कूल दौरे के दौरान उन्होंने छात्रों से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि सब मिल करके पंजाब का भविष्य संवारेंगे और भारत को नंबर वन बनाएंगे। मोहाली एमएमएस कांड में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी छात्रा का दोस्त उसको ब्लैकमेल कर छात्राओं की ओर वीडियो बना करके मांग कर रहा था, जिसके बाद आरोपी छात्रा ने एक के बाद एक छात्राओं के कई वीडियो बनाए हैं। बताया जा रहा है कि एमएमएस कांड के तार गुजरात और मुंबई से जुड़े हुए हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। बता दें कि पूरे मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी छात्रा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। खरड़ कोर्ट ने तीनों को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। पटियाला में बेरोजगार हुए लाइनमैन ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। पहाड़पुर गांव के सुमान में लाइनमैन टावर पर चढ़ गए और अपनी मांगे दोहराते हुए नारेबाजी की है। टावर पर ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। मौके पर प्रशासन के लोग भी पहुंचे और उनसे नीचे उतरने के लिए कहा गया है, लेकिन वो अपनी मांग दोहराते हुए टावर के ऊपर ही नारेबाजी करते रहे। तरन तारण के भगवानपुर में दो पक्षों में विवाद हो गया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी है। गोली लगने से 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं मौके से पुलिस ने मौके से गोलियों के 25 खोखे भी बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाशी ली जा रही है। तो वहीं पुलिस ने पीड़ितों का बयान भी दर्ज कर लिया है। मलोट के रविदास नगर में जहरीला पदार्थ खाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की तबियत बिगड़ गई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसमें पति पत्नी और 4 बेटियां शामिल है। इनके पास से कीटनाशक गोलियों की एक जार मिला है। आसपास के लोगों का अनुमान है कि आर्थिक तंगी के कारण ही सभी ने जहरीला पदार्थ खाया है और हालांकि पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। जालंधर की क्राइम पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 700 ग्राम अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने महिला के खिलाफ थाना मकसूदा में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि महिला लंबे समय से तस्करी में लिप्त थी। इसके खिलाफ अलग अलग थानों में 7 मामले पहले से ही दर्ज है। पुलिस पूछताछ के साथ आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। बठिंडा के गांव भाई बख्तौर में एक मासूम से हैवानियत का मामला सामने आया है। 7 माह की मासूम पर उसके चाचा ने केमिकल डालकर की जलाने की कोशिश की। मासूम का इलाज बठिंडा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बच्ची की मां ने बताया कि उसके पति और देवर में एक दिन पहले ही झगड़ा हुआ था और देवर ने बच्ची पर केमिकल डाल दिया है और फरार हो गया।